स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति, रैंक डिफरेंस मेथड। 1904 में स्पीयर नामक एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत समंक मालाओं में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कोटि अंतर या क्रमांतर रीति का प्रतिपादन किया था। इस रीति को ही स्पीयरमैन की कोटि अंतर या क्रमांतर रीति कहते हैं। यह रीति ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां पर तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव नहीं होता है और उन्हें केवल एक निश्चित कोटि क्रम के अनुसार रखा जा सकता है, जैसे बुद्धिमत्ता, सुंदरता, स्वास्थ्य आदि गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से अंकों में नहीं मापा जा सकता, परंतु विभिन्न इकाइयों को गुण को गुण की कोटि के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि कोटि क्रम प्रदान किया जा सकता है। इन कर्मों के आधार पर ही कर्मांतर या कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है। यदि समंक माला के पदमूल्य ज्ञात न हो, केवल उनका कोटि क्रम ही मालूम हो, तो भी क्रमांतर सहसंबंध गुणांक निकाला जा सकता है। अब हम देखते हैं सहसंबंध गुणांक निकालने की प्रक्रिया को। सबसे पहले x और y के पदमूल्यों को अलग अलग कोटि क्रम प्रदान किए जाते हैं, यानी जिसका मूल्य ज़्यादा होता है उसको प्रथम, फिर उससे कम वाले को द्वितीय, ऐसे। फिर इसके बाद में x के क्रमों में से y के तत्व संबंधी क्रम घटाकर कोटि अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। जो डिफरेंस है वो x की कोटि में से y की कोटि को घटाकर ज्ञात करते हैं। इसके बाद कर्मांतर जो निकाले हैं उनका वर्ग करके उन वर्गों का जोड़ निकाल लेते हैं, यानी जो डिफरेंस निकाले हैं उनका वर्ग करने के बाद में उनका योग कर लेते हैं। इसके बाद में अंत में हम सूत्र की सहायता से कोटि सहसंबंध गुणांक निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है, यहाँ पर ये ग्रीक संकेताक्षर रो है, ये जो कि कोटि सहसंबंध गुणांक का संकेत है। कोटि सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला है 1 - σ(d²)(n)²-1। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर कर्मांतरों के वर्गों का जोड़ है, एन पदयुग्मों की संख्या है, और यहाँ पर रो कोटि सहसंबंध गुणांक का संकेत है। अब हम कोटि सहसंबंध गुणांक का एक संख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये एक कोटि सहसंबंध गुणांक का एग्जाम्पल दे रखा, यहाँ पर ये दोनों श्रेणियाँ दे रखी है, एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी। अब इन श्रेणियों के आधार पर कोटि अंतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए इसमें दे रखा। तो सबसे पहले तो हम जो ये दोनों श्रेणियां दे रखी है उनको ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर इसके बाद में हम इनका कोटि अंतर इनका कोटि रैंक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है x में, जो अधिकतम
मूल्य हैं एक्स श्रेणी में वो है 95, 95 यहाँ पर अधिकतम है तो इसको हमने प्रथम रैंक दे दिया। फिर 95 से छोटी संख्या जो सबसे ज़्यादा है वो है 91, इसको दूसरी कोटि दे दी। फिर 91 से छोटी जो अधिकतम संख्या है वो है यहाँ पर 90, इसको हमने तीसरा क्रम दे दिया। इस तरह से हम सभी जो मूल्य होते हैं उनको रैंक दे देते हैं। यहाँ पर ये एक्स की कोटियाँ लिख दी गई है। फिर इसी तरीके से हम वाई की कोटि निकालते हैं। अब यहाँ पर वाई श्रेणी में सबसे अधिकतम जो मूल्य है वो है 20.8, इसलिए इसको प्रथम रैंक दे दी। इसके बाद जो 20.8 से कम है, अधिकतम है लेकिन 20.8 से कम है, वो है 19.2, इसको दूसरी रैंक दे दी। फिर 19.2 से जो अधिकतम 19.2 से जो कम है वो संख्या है 18.9, ये अधिकतम है लेकिन 19.2 से कम है, इसलिए इसको तीसरी रैंक प्रदान कर दी। इस तरह से हम सभी मूल्यों को कोटि प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद में हम कोटि अंतर निकालते हैं। कोटि अंतर यहाँ पर कोटि एक्स में से माइनस कोटि वाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, एक्स की कोटि 5 है, वाई की 4 है, तो 5 माइनस 4 प्लस का 1, तो यहाँ पर प्लस का 1 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, एक्स की कोटि 2 है, वाई की 1 है, दो में से 1 माइनस किया तो प्लस का 1। इस तरह से हम सभी कोटि अंतर निकाल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो कोटि अंतर का जो योग है, इन सब का जो योग है वो 0 होता है या नहीं। कोटि सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत जो कोटि अंतर होते हैं उनका योग 0 होता है। कोटि अंतर निकालने के बाद में फिर हम जो कोटि अंतर निकाले उनका वर्ग कर देते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 1 का यहाँ 1, 2 का 4, माइनस 1 का 1, माइनस 1 इनका 1, 2 का 4, इस तरह से हमने कोटि अंतर जो थे उनका वर्ग कर दिया सभी का। कोटि अंतरों के वर्ग निकालने के बाद में हम इनका योग कर देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर। इनका योग करने पर हमें कोटि अंतरों के वर्गों का योग प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ पर है सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 74। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर का मूल्य हमें प्राप्त हो गया, एन का यहाँ पर दे ही रखा है 10 है। यहाँ हमें केवल दो ही मान चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर का और एन का। इसके बाद में हम इन मूल्यों को जो कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है उसमें रखते हैं। जैसे यहाँ पर रख दिया सिग्मा डी स्क्वायर का मान 74 है और एन का मान 10 है। इनको जब हम हल करते हैं तो हमें अंत में मान प्राप्त होता है प्लस पॉइंट फाइव फाइव। चूँकि प्लस पॉइंट सेवन फाइव से कम है लेकिन 0.25 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो दोनों श्रेणियाँ हैं एक्स और वाई,
इन दोनों के मध्य जो सहसंबंध होगा वो धनात्मक धनात्मक मध्यम कोटि का सहसंबंध है, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है तो धनात्मक, और मध्य यानी 0.75 से कम है और 0.25 से ज़्यादा है, तो ये मध्यम कोटि का सहसंबंध यहाँ पर दोनों श्रेणियों के मध्य में है।